तो दोस्तों नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आप YouTube चैनल चलाते हैं तो ऐसे में आपके पास स्ट्राइक आ जाती है और उसमें आपको चार स्ट्राइक का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर वाटरमार्क कैन मास्टर से रिलेटेड मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी और उस पर इन्होंने यानी कि कॉपीराइट स्ट्राइक वार्निंग दी है पहली बार में। अब ये यहाँ पर ये चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ये चारों ऑप्शंस किस किस तरीके से काम करते हैं वो चलिए हम जान लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये ज़्यादा ऑप्शन वाला ये सीटी वाला देखने को मिल गया है, तो अगर आपके चैनल पर पहली बार गलती करते हैं तो आपकी जो समझो चैनल की सीटी है वो यहाँ पर बच जाती है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इससे आपके चैनल पर किसी भी तरीके का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, पर आपको एक वार्निंग दी जाती है, आपको एक सलाह दी जाती है कि आप ऐसा दोबारा काम ना करें, वरना आपके चैनल पर फिर दोबारा आपको स्ट्राइक दी जाएगी और इससे आपके 7 दिन तक आपका जो चैनल है वो बंद रहेगा। ठीक है, अगर दूसरी स्ट्राइक आती है 90 दिन के अंदर तो आपको जो पीला वाला देखने को मिल गया है ये आपका हो जाएगा पीला आइकन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर तीसरा आ जाता है, तो तीसरा में अगर 90 दिन के अंदर ही आ जाती है तो ऐसे में यह है कि आपको जो थोड़ा हल्का रेड कलर का है वो यहाँ पर यानी कि शो हो जाएगा ये आइकन, और इससे यह है कि आपका 14 दिन तक जो आपका चैनल है ना तो उस पर कोई भी एडिटिंग कर पाएंगे, ना तो आप वीडियो अपलोड कर पाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे में आपकी जो वीडियो है वो डिलीट होगी और आपकी जो भी एनालिटिक्स है वो एकदम डाउन हो जाएगी। डाउन होने का मतलब आप वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे 14 दिन तक, तो इसका मतलब है कि आपका जो YouTube चैनल है एकदम डाउन हो जाएगा, जीरो। तो ऐसी गलती आप ना करें। इसी के साथ में कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही तरीके की वीडियो बनाते होते हैं और वो YouTube की पॉलिसी के खिलाफ होती हैं, तो ऐसे में वो तीनों स्ट्राइक आ जाती हैं, यानी कि चारों स्ट्राइक आ जाती हैं 90 दिन के अंदर ही अंदर। तो ऐसे में यह है कि जो आपको रेड कलर का ऑप्शन देखने को मिल गया है लास्ट में कतई, ठीक है, चौथे नंबर पे, तो इसका मतलब है कि अब जो आपका चैनल है वो यहाँ पर समाप्त और ख़त्म हो जाएगा। YouTube ने आपको बहुत समझाया और फिर भी आपने नहीं माने और आपने खुद की चलाई, ठीक है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है। तो ऐसे में अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको जो चैनल है वो बंद हो जाएगा। अब ऐसे में 90 दिन के अंदर अंदर अगर ये चारों स्ट्राइक आ जाती हैं तब ठीक है, तो इसे किस तरीके से रिमूव किया जाता है वार्निंग को, इसे आपको रिमूव करना होता है। पहले था कि ये रिमूव नहीं होती थी, पर अब YouTube ने ये ऑप्शन दे दिया है कि आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए किस तरीके से रिमूव करना है, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए बहुत ही जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट।